हेलो नमस्ते, दिस इज अन्ना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट्टा। चलिए बात करते हैं उन डाइट मिस्टेक्स के बारे में जो हो सकता है वी आर मेकिंग व्हाइल वी आर स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग क्वारंटाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेशन की। एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर इनटेक। तो हो सकता है कि आप उतना पानी पी ही नहीं रहे जितना कि आपको आइडियली पूरे दिन में पीना चाहिए। एक दिन में हमको कम से कम 3 लीटर पानी बहुत ज़रूरी तौर पर पीना चाहिए, लेकिन जब हम घर में रहते हैं एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती तो अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो अब से मेक श्योर कि आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं दैट यू नीड टू हैव वाटर एवरी डे एटलीस्ट 3 लीटर्स। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद एक और मिस्टेक्स हम करते हैं अक्सर कि हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको अपनी डाइट में प्रॉपरली इंक्लूड नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में इंक्लूड करते हैं। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 3 फ्रूट्स आप डेली खा रहे हैं और अ लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं जो भी इस समय एसेंशियल तौर पे मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। जो भी अवेलेबल हैं उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं इनमें इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो काफ़ी हाई होती ही है, इनमें नेचुरल विटामिन सी भी पाया जाता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो कि अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो इन योर डाइट। इसके बाद हम बात करते हैं स्नैकिंग की। तो क्योंकि हम घर में हैं और जब हम कुछ खाना चाहते हैं तो हमें अचानक याद आता है कि हाँ किचन में शायद चिप्स पड़े हुए हैं, तो लेट्स हैव सम चिप्स और प्रॉब्ली कोला और सम कार्बोनेटेड ड्रिंक और द अदर। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो जितने भी प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स होते हैं उनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वेयर एज जब हम कोला और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो इनमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो वट यू नीड टू डू इज दे आर प्लेंटी ऑफ हेल्दी ऑप्शंस आपके घर के किचन में ईजिली अवेलेबल हैं, जो कि उनको आप अपने स्नैक टाइम पर इंक्लूड कीजिए। जैसे कि आप मखाना, भेल, चीला एंड देर सो मैनी स्प्राउट, देर सो मैनी थिंग्स, भुना हुआ चना, पीनट, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में स्नैकिंग टाइम पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक और बात हो सकती है कि हो सकता है हम अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन का इंटेक भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। जब हम फाइबर प्रॉपरली नहीं खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह गैस्ट्रिक इश्यूज, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। साथ ही हम लोग बार बार खाने लगते हैं, क्योंकि हम फाइबर और प्रोटीन हमें काफ़ी लंबे समय के लिए फुल रखते हैं। इफ वी विल नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स इन आर डाइट, ऑफकोर्स वी विल फील हंग्री ओवर एंड ओवर अगैन। तो मेक श्योर कि आपकी डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी प्रॉपर है। इसके बाद में बिंज ईटिंग की ही बात करती हूँ। कभी कभी होता है बिंज ईटिंग हम सिर्फ इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रेस्ड आउट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कि हमें एंजाइटी हो रही है, हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, या हम इमोशनल ईटिंग शुरू कर देते हैं। सो एवरी नाउ एंड देन वी जस्ट वॉन्ट टू मंच ऑन समथिंग, प्रॉब्ली चॉकलेट। तो इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो हम अननेसेसरली कैलोरीज एंड अलॉट ऑफ बर्डन अपनी बॉडी पर डालते हैं, तो वो नहीं करना है। उससे कैसे आपको राहत मिलेगी, इसके लिए आप किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आप घर पर कर सकते हैं, योगासना प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायामा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप योगासना एंड प्राणायामा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी में एक पहली बात तो कि आपकी फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी दोनों को काफ़ी रिलैक्स एंड काम करने में मदद करता है, तो आपके स्ट्रेस एंड एंजाइटी से भी आपको निजात दिलाता है। इसके साथ ही आपकी बॉडी में बहुत मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जो कि आपको जो क्रेविंग्स होती हैं इनको कम करने में हेल्प करती है। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर श्योर। ये भी आपकी डाइट मिस्टेक से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। क्योंकि अब एक और छोटी सी बात मैं बताती हूँ, हो सकता है कि आपका सॉल्ट और शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो। जैसे मैंने स्नैकिंग के टाइम पर अभी बताया था कि प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हो सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम टेस्ट के कारण भी अपने फूड में सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से। तो आपको अगर टेस्ट ही एनहेंस करना है तो बजाय सॉल्ट के आप हर्ब्स एंड स्पाइसेस का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जैसे आप सिनेमन यूज़ कर सकते हैं, नटमग यूज़ कर सकते हैं, पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी पत्ता जो कि इजीली घर में, बेसिल, हिंदी बेसिल है वो, इंडियन बेसिल, आप उसको भी अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके साथ में आप अनियन, गार्लिक, इस तरह की चीज़ों को अपने फूड में इंक्लूड कीजिए। इससे आपको जब टेस्ट बड आपके सेटिस्फाइड होंगे तो आपको बहुत सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोडियम का इंटेक कम कीजिए। इसके साथ ही हम शुगर की भी बात कर लेते हैं। तो व्हेन यू आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर चॉकलेट्स, कोलाज, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसको कम करने, इसको तो आपको पहली बार बंद कर देना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। और जहाँ आप शुगर अदरवाइज ले रहे हैं, जैसे हो सकता है हमें योगर्ट पसंद है, उसे थोड़ा स्वीट करके खाना पसंद है, तो उसकी जगह पे आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लीजिए योगर्ट को स्वीट करने के लिए, या फिर आप जैगरी और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द बेटर ऑप्शन रादर गोइंग विद द रिफाइंड शुगर, प्लेन शुगर, जो कि आपकी बॉडी में एक्चुअली कुछ भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं कर रही है। सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग ऑल दी स्मॉल things in your mind which will help you in a big time, especially this time when we are staying at home during quarantine or lockdown. तो जो भी easily available है अपने diet में include कीजिए, जो भी अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी, और जिनको आप avoid कर सकते हैं easily, आप please उन सब पैकेज फ्रूट, ऑल द प्रोसेस्ड फूड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला, चिप्स, इन सबको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अपने आप को एक्टिव रखिए और थोड़े बहुत प्राणायाम भी ज़रूर कीजिए। And such informative videos, keep watching Fit Tak. Namaste.